हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कीर्ति सबनिस हूँ। मैं इन्फेक्शस डिसीज़ कंसल्टेंट हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मुंबई में। हम लोग आज टोमेटो फ्लू के बारे में डिस्कस करेंगे। ये नया वायरल इन्फेक्शन है जिससे मेनली बच्चों में, चिल्ड्रन लेस देन एज 15 पाया जाता है। ये कॉमन जो सीजनल वायरल इन्फेक्शन में से एक है। अभी बहुत लोग पूछते हैं कि इसके लक्षण क्या है, इसके लिए प्रिकॉशंस क्या लेने की ज़रूरत है। तो इसके कॉमन लक्षण जो वायरल फीवर में दिखते हैं, जैसे कि बॉडी पेन और रैश। जनरली रैश जो होता है वो हाथ और पैर में इन्वॉल्व ज़्यादा करता है, और इसको टोमेटो फीवर इसीलिए बोलते हैं कि रैश रेड कलर का रहता है, जनरली पेनफुल रहता है। रैश एक कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम है, इसीलिए इसे टोमेटो फीवर कहा जाता है। तो ये वायरल इन्फेक्शन है, इसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसके लिए स्प्रेड जो होता है वायरस का, वो कॉन्टेजियस, जैसे कि एक पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया तो उसके सिक्रीशंस, जैसे कि नेजल सिक्रीशंस है रैश को टच करने के बाद, या फिर उन्होंने जो यूज़ किया है बेडिंग वो शेयर करने के बाद इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये इन्फेक्टिविटी कॉमनली 7 to 10 days रहती है, उसके बाद पेशेंट नॉन इन्फेक्शस रहता है। तो इसे डायग्नोज कैसा किया जाता है, इसके लिए कुछ पर्टिकुलर टेस्ट है, जैसे कि हम लोग कोरोना का टेस्ट अवेलेबल है। तो इसके लिए ऐसा पर्टिकुलर कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है। इसके लिए जो बाकी के वायरल डिसीजेस है, ये जो हम लोग देखते हैं जिसका कॉमन इसके जैसे ही प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि चिकनगुनिया, कोविड, फ्लू, ये सब का डायग्नोसिस, डेंगू, ये सब का डायग्नोसिस टेस्ट करके निगेटिव है और रैश ये प्रेजेंटिंग कॉमन सिम्टम है, तो हम लोग जनरली टोमेटो फीवर का डायग्नोसिस करते हैं। इसका ट्रीटमेंट भी सपोर्टिव है, जैसे कि अगर फीवर रहेगा तो फीवर का मेडिसिन देना है, रैश है, पेन है, तो उसके लिए स्किन के लिए ऑइंटमेंट्स देने हैं। और इट इज़ सेल्फ लिमिटिंग, ऐसा नहीं कि इसका कुछ ज़्यादा और शरीर पे अदर ऑर्गन्स पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगे। मुझे ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि अभी ये रैश है, इसके लिए स्पेसिफिक कुछ टेस्ट नहीं है, तो हम लोग कॉमनली जो अभी दूसरा वायरल इन्फेक्शन है कि जैसे मंकी पॉक्स, तो मंकी पॉक्स और ये टोमेटो फीवर में डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएट करने जैसा है कि ये बच्चों में पाया जाता है कॉमनली। जनरली हाथ और पैर का रैश और बॉडी पेन ये कॉमन सिम्टम है, जैसे कि मंकी पॉक्स में कॉमन इस एडल्ट्स में ज़्यादा पाया जाता है। स्पेसिफिक एक्सपोजर का, मंकी पॉक्स के पेशेंट को एक्सपोजर का हिस्ट्री रहता है, और मुंह में या फिर यूरिन जेनिटल्स में अल्सर्स मंकी पॉक्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये दोनों डिफरेंट वायरल इन्फेक्शंस है, और दोनों को डॉक्टर जिनको ये पहले एक्सपोजर है या फिर इन्फेक्शस डिसीज़ के जो एक्सपर्ट रहेंगे वो डेफिनेटली इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे, क्योंकि दोनों के लिए ही ऐसा जाके डायरेक्टली आप लैब में टेस्ट नहीं कर पाएंगे, टोमेटो फीवर के लिए भी और मंकी पॉक्स के लिए। होपफुली ये आपको जानकारी हेल्प करेगा, और अगर आपको डाउट है तो डेफिनेटली डॉक्टर की सलाह लें, खुद का मेडिसिन इसके लिए मत लें।